नमस्कार दोस्तों, मैं सी.एम. मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट अपडेट जो कि जीएसटी लॉ के अंदर किया गया है। अब जो है बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेना, क्लेम करना, अवेल करना और भी ज्यादा जो है बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट मीन्स अभी तक जो लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे, अवेल कर रहे थे, अब उन्हें एक और कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी होगी फॉर अवेलिंग दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कंडीशन क्या है? स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है जहां पर बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, टैली, एक्सेल प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने में। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस किए गए। बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 इशू की गई, जिसके तहत एक नया रूल, बेसिकली एक नई कंडीशन है, रूल 37A इंसर्ट किया गया। और इस रूल 37A के तहत कहा गया कि आप अभी तक क्या करते थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2A या फिर जीएसटीआर 2B की हेल्प से आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे। होता क्या था कि जिस भी व्यक्ति से आपने जो गुड्स या सर्विसेज अवेल की हैं, सप्लायर जो है वो अपनी जीएसटीआर 1 में वो गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई है अगर वो डिक्लेयर करता था तो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A 2B में वो रिफ्लेक्ट होती थी। तो बहुत सारे सप्लायर क्या करते थे, जीएसटीआर 1 तो फाइल कर देते थे लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते थे। तो ऐसे में यहाँ पर एक और कंडीशन जो है वो पुट कर दी गई है कि मियरली जीएसटीआर 1 के बेसिस पर, दैट मीन्स सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करने से आपके जीएसटीआर 2A 2B में अगर कोई आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है तो आप जो है उस आईटीसी को क्लेम करेंगे। तो आपको एक और कंडीशन यहाँ पर फुलफिल करनी होगी कि जो सप्लायर है जिससे आपने गुड्स परचेज की हैं, उस सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी हो और उस पीरियड का जो टैक्स है वो उसने पे कर दिया हो। जी हाँ, अब आपको अपने सप्लायर का टैक्स भी इंश्योर करना होगा कि उसके द्वारा पे कर दिया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया where input tax credit has been availed by a registered person in form GSTR 3B for a tax period in respect of such invoice or debit note, the details of which have been furnished by the supplier in GSTR 1 or using IFF invoice furnishing facility. Supplier ने अपने GSTR 1 या IFF में उसको declare तो कर दिया है, but the return in form GSTR 3B for the tax period corresponding to the said statement of the outward supplies has not been furnished by the supplier. Supplier ने अपनी GSTR 3B उस tax period के लिए फाइल ही नहीं की है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लीजिए दिसंबर 2022 में कोई परचेज की है और दिसंबर 2022 की जो GSTR 3B फाइल करनी है वो सप्लायर ने फाइल ही नहीं की, तो ऐसे में आप दिसंबर 2022 में जो आपने आईटीसी क्लेम किया, जो आईटीसी अवेल किया, वो अब आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। इसके लिए हालांकि एक अच्छी टाइम लिमिट दी गई, दैट मींस ये जो आपको रिवर्सल करना है ये आपको चेक करना है कि 30 सितंबर तक क्या आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी या नहीं कर दी। 30 सितंबर कौन सा, जो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप आईटीसी अवेल कर चुके हैं उस फाइनेंशियल ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होगा उस नेक्स्ट ईयर की 30 सितंबर तक की डेट जो है वो आपके लिए रहेगी। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो लास्ट डेट होगी 30 सितंबर 2023 होगी फॉर दी सप्लायर। सप्लायर अपनी 30 सितंबर तक वो जीएसटीआर 3B फाइल कर दे, टैक्स पे कर दे। और जो बायर है उसको 30 नवंबर तक अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की। तो ऐसे में यहां पर कहा गया 30th day of September following the end of the financial year, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर मंथ होगा उसकी 30 तारीख तक जो सप्लायर है उसका वेट किया जाएगा कि वो अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दे, इन विच द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन अवेल्ड। The said amount of ITC shall be reversed by the said registered person while furnishing in a return in GSTR 3B on or before 30th day of November। तो अगले साल जो 30 नवंबर की जो डेट होगी उस 30 नवंबर तक या उससे पहले जो रेसिपिएंट है वो अपना ITC रिवर्स करेगा अगर जो सप्लायर है उसने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की। तो अब आपको एक ये कंडीशन भी चेक करनी होगी ईयरली बेसिस पर कि उस पर्टिकुलर ईयर में जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है क्या उन सभी सप्लायर्स ने जिनसे आपने सप्लाई रिसीव की क्या उन सभी ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी है या नहीं। अगर सप्लायर्स ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिस पीरियड के लिए 3B फाइल नहीं की गई उस पर्टिकुलर पीरियड में जो आईटीसी उस सप्लायर से रिलेटेड है वो रिवर्स करना होगा। अगर आप वो आईटीसी रिवर्स नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बियर करना होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेड अमाउंट ऑफ आईटीसी इज नॉट रिवर्स्ड देन सच अमाउंट शैल बी पेबल बाय द सेड पर्सन अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। तो सेक्शन 50 के तहत आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा अगर आपने टाइमली रिवर्सल नहीं किया। हम मान लीजिए आपने अमाउंट आईटीसी की रिवर्स कर दी और उसके बाद सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर दी तो ऐसे में जिस भी पीरियड में सप्लायर जीएसटीआर 3B फाइल कर देगा उस पीरियड के लिए टैक्स पे कर देगा, आप उस पीरियड में वो आईटीसी फिर से रीअवेल कर पाएंगे। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निशेस द रिटर्न इन फॉर्म 3B फॉर द सेड टैक्स पीरियड द सेड रजिस्टर्ड पर्सन मे रीअवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर ए टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। तो जब भी सप्लायर अपनी 3B फाइल कर देगा उसके बाद जो रेसिपिएंट है जो बायर है जिसने आईटीसी रिवर्स कर दिया वो उसको फिर से रीअवेल कर पाएगा। तो ये एक अपडेट था जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2020 के जरिए जो है इंसर्ट किया गया है। तो आगे से आपको भी ये जो कंप्लायंस है करना होगा। आई होप हमारी ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, टैली, एक्सेल तो ऐसे में आप हमारे कोर्सेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।